Hello everyone and welcome back to Grade Up. Welcome to our very very important session at 5:30 PM. Tumhare sath kaun kaun jud chuke hain time pe? Okay, so we have a lot of people who have joined us. So right on time we have Priyanka, Saima, Swati. Acha log aaj pehli hi hello kar rahe hain. Manjeet, hello and welcome to our session. Sayak, you're ready. Very very good and welcome. Good evening Pinky, good evening Tufani, very very good evening Shivani, Sheikh, Sayak, Imran, good evening Kalpana, good evening Ruby, good evening पद्मिनी, मोहिनी, तबवु, लाजवंती, मिशन यूपीएससी. चलिए गुड इवनिंग. आई होप आपकी संडे बहुत मस्त रही हो और अब तो एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई होप पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से आज फुल स्विंग में हुई हो. लाजवंती गुड इवनिंग, वैष्णवी गुड इवनिंग, मंजू हेलो, शेख गुड इवनिंग, रेनू हेलो, श्वेता, अंकिता, मिस किमची, प्रहलाद, संचिता, रीमा, असद, निलिमा, डोरेमोन, अभिषेक हेलो, प्रिंसी गुड इवनिंग, सुनीता गुड इवनिंग, अनुपा, ललन, लाजवंती, रंजीता, दीन बंधु, ओके गुनगुन. चलिए फर्स्टली गाइज दो मिनट वेट कर लेते हैं सबके ज्वाइन होने का. तो फर्स्टली वेरी वेरी वार्म वेलकम, वेलकम टू द सेशन. आज हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन करने का. कोशिश करेंगे एक ही घंटे में कर ले, है ना, क्योंकि अब रिविजन स्ट्रेटजी शुरू हो गई है, सारे लोग रिविजन मोड में आ गए हैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन करने में. तो लेट अस सी 50 क्वेश्चंस, 1 आवर का टाइम पीरियड रखते हैं, 30 सेकंड्स का टाइमर जैसा आपको पता है. तो चलो फटाफट दो मिनट वेट करते हैं और लोगों के ज्वाइन करने का. एंड जो भी ज्वाइन कर चुके हो प्लीज सेक्शन को लाइक कर दो, गिव योर अटेंडेंस एवरीबडी, ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अगर आप नए हो तो हम आपका नाम जान लें, ठीक है. एंड ऑल आर रेगुलर वंस वेरी वेरी वेलकम टू द सेशन. चलिए फट 50 क्वेश्चंस हैं और एक ही घंटे का टारगेट लेके चलेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है. मैक्सिमम वी आर गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम दिस सेशन. अरुणिमा, देवस्मिता, मोनिका, अनुपमा, निखिल, आहनूर, चलिए गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन. फटाफट से ज्वाइन हो जाओ गाइज. दो मिनट वेट करते हैं और लोगों के लिए एंड देन वील स्टार्ट विद आर वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों का है. आई होप आपके रिविजन बहुत अच्छे से चालू हो गई हो. देखो एग्जाम के लिए अब सीधे सीधे 20 दिन बचते हैं तो अब थोड़े सीरियस हो जाओ, है ना. और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया प्लीज अब तो शुरू कर लो यार प्रिपरेशन. ओके अवनीश, थैंक यू. चित्रलेखा, अनिल, एकता, जो जो नए लोग हो प्लीज यहाँ पे लिख दो आप, ओके. एंड सो दैट वी नो कौन से नए लोग ऐड हो चुके हैं. एक दो मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों के लिए एंड फटाफट से अपना सेशन शुरू करते हैं. एंड ऑल्सो गाइज प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है. लोग कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो. बेल आइकन दबाओगे तो ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा. नोटिफिकेशंस में ऑल कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं, ठीक है. अभी बैक टू बैक थोड़ी क्लासेस होंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस थोड़े नजदीक आ रहे हैं तो आप मैक्सिमम फायदा उठा लो इस सारे सेशन से, ठीक है. फर्स्ट मॉक टेस्ट में 59 है कल्पना, इट्स वेरी वेरी गुड, गुड गोइंग. जो भी आपकी स्ट्रेटजी है आप प्लीज इसे फॉलो करते रहिए, स्ट्रेटजी सूटिंग यू, है ना. चित्ररेखा डन, चलिए. रीमा डन, चलिए. जैनुल डन. सुमंता, दिस इज योर सेकंड क्लास, चलिए. देन वेरी वेरी वार्म वेलकम मिस्ट्री, यू आर अ न्यू स्टूडेंट तो चलिए रेगुलर सेशंस ज्वाइन करिएगा. हमारे सेशंस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होते हैं 3 PM एवरी ऑल्टरनेट डे, ठीक है. और जो भी संडे को एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी रिमाइंड कर देती हूँ. तो चलो लेट अस स्टार्ट एवरीबडी. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आ चुके हैं तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट. इमरान डन, चलिए. सुमित्रा डन, परफेक्ट. एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है मोहिनी, आप टेंशन मत लीजिए, आप प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए. क्यों तुम लोग तो चाहते हो पता नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन हो. अच्छा तो एक एग्जाम खत्म हो जाए यार, होके खत्म करो एग्जामिनेशन को, कब तक पढ़ना चाहते हो. सृजा गुड इवनिंग, मिस की मच, सुमेन, ओके चलिए. ओके गाइस तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आ चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. 50 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है, एक घंटा का ही टारगेट रखते हैं, फटाफट सेशन को लेके आगे बढ़ते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सब लोग कमेंट सेशन में आ जाओ यार, सारे लोग आंसर्स देना है, ठीक है. तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये लिस्ट है विच यू हैव टू मैच, ठीक है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और कौन काम क्या करता है. 30 सेकेंड टाइमर है, थोड़ा ध्यान से लिस्ट को पढ़िए और चलिए एलिमिनेट करिए. हियर यू गो.
तैयारी नहीं है पूरी, कोई बात नहीं, फिर भी चलो गेस करो और शुरू करो। ओके जस्ट जस्ट 1 मिनट। यस गाइस जस्ट जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई थिंक ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके सो आई थिंक अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये थोड़ा आई थिंक कुछ देर सम इशू बैक, आई थिंक अब क्लियर है। ओके ठीक है, अब क्लियर है ना, ठीक है चलो, अब धीरे धीरे क्लियर है, चलो ठीक है, नाउ इट्स ओके। चलो सो नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है। आई थिंक ये टेबल वाला आप लोगों को थोड़ा ये अनक्लियर दिखता है, चलो ठीक है। अच्छा लोगों ने आंसर शुरू कर दिया है, क्लियर है, चलो थैंक यू सो मच अभिषेक। चलिए तो चलिए गाइज, मैच दिस वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आपको हमेशा एग्जामिनेशंस के लिए याद रखने, क्योंकि हमेशा आते हैं, ठीक है, चाहे मौर्याज हो गुप्ताज हो, क्लियर है। चलिए तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर एवरीबडी, डी 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 और बी, आधी क्लास बी बोल रही है, आधी क्लास डी बोल रही है, चलिए फटाफट शुरू करिए। बी 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 प्रीति प्रेजेंट है, चलिए ठीक है। सो हियर व्हाट्स द आंसर, जिनको नहीं आ रहा है प्लीज अपना पेज आप रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। आदिपिका, युद्ध और शांति, दंड पक्षी, शाही रसोई, महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश एंड महासंधि इस पुलिस विभाग, कौन क्या काम कर रहा था, फटाफट से आपको मैच करनी है। चलिए बी एंड डी, ओके सो एवरीबॉडी इज सेइंग बी। ओके सो द राइट आंसर हियर इज बी एवरीबडी, ठीक है, ये आंसर है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना तो आप प्लीज पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा और वापस से आके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके द फर्स्ट सक्सेसफुल अरब इन्वेजन इन इंडिया वॉज लेड बाई मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी इन्वेडेड सिंध बाई डिफीटिंग किंग दहीर ऑफ छछ डायनेस्टी, तो इनमें से कौन सी चीजें सही है। भारत में पहला सफल अरब आक्रमण मोहम्मद घोरी के नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद घोरी ने चच वंश के राजा दहीर को हराकर सिंध पर आक्रमण किया था, विच इज ट्रू विच इज नॉट ट्रू, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, चलो फटाफट एवरीबडी, अब तो क्वेश्चन दिख रहा है, जिनको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं आप प्लीज अपना पेज रिफ्रेश कर लो सारे लोग। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए गाइज, हमारा टारगेट 50 क्वेश्चंस करने का है, फटाफट से चलो सब लोग शुरू हो जाओ। डी अवनीश सी, चलो फटाफट एवरीबॉडी कम ऑन पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। प्रिंसी सी 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 बी सी बी सी बी बी मतलब टू, सी मतलब बोल, ओके चलिए फटाफट एवरीबॉडी, इमरान सी, शिवा शिवानी टू, ओके दीनबंधु वरुण हेलो गुड इवनिंग, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। फंडर बी, जिग्मेत सी, ओके वरुण, संडे को स्पेशल क्लासेस हो रहे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के, चलिए ठीक है फटाफट से आंसर करो, 30 सेकंड्स टाइमर खत्म हो चुका है। एक्चुअली ये दोनों सही है एंड द राइट आंसर बेसिकली इज सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है, तो आप बाद में एक्सप्लेनेशन भी बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट अरब इन्वेजन हुआ था एंड यू शुड नो सिंध को इन्होंने हरा दिया था, किंग दहीर ऑफ छछ डायनेस्टी, ये हार जाते हैं। फाइनली जो हिस्ट्री ऑफ सिंध होती है इट कम्स अंडर द नेम छछनामा बाई अली काफूफी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अरब इंडियंस में बहुत सारे इंटरेक्शन हुए थे, जहां पे हमारे जो हला जो कि फिजिसिस्ट थे और मनक जो कि सर्जन थे, इनको बगदाद के खलीफा बुलाए भी थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, चलिए
Now let's go to the third question, everybody. The town of Kalpi is situated on the bank of which river? Kalpi Nagar किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? The town of Kalpi is situated on the bank of which river? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तबावूर ए, चलिए फटाफट। सी डी सी, चित्ती डी, एकता डी। ओके, सो मेजोरिटी लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग डी लिख रहे हैं। तो चलिए, हियर द राइट आंसर इज बी, यमुना। ठीक है, तो ये जो कल्पी सिटी है, पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश में है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। पहले इस टाउन को बेसिकली कल्प्रिया भी कहा जाता था, फिर कल्प्रिया को एब्रीवेट करके छोटा करके इसको कल्पी कहा गया। ठीक है, फोर्थ सेंचुरी में किंग वासुदेवा ने इस पूरे टाउन को, इस पूरे शहर को सेटल किया था। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन एवरीबडी। The रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसने कराया था? चोलास, पल्लवास, चेरीज या चालुक्यास? ओके, सो आई थिंक एवरीबडी नोज दिस। चलिए, तो चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, फटाफट 100% भी यस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज पल्लवास। पल्लवास ने रथ टेम्पल्स बनाया था महाबलीपुरम में। पल्लवा पे हमेशा क्वेश्चंस आता है, स्पेशली इनके रथ टेम्पल्स को लेके, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। The inscriptional evidences of sati pratha has been found from, ठीक है, तो सती इंस्क्रिप्शन, सती के बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन में एविडेंस मिलते हैं? ए ईरान, बी जूनागढ़, सी मंदसौर या डी सांची? वेयर डू यू फाइंड द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सती? ओके, चलिए मेजॉरिटी लोग ए कह रहे हैं, फटाफट गाइस, वी हैव 50 प्लस क्वेश्चंस टारगेट। चित्रलेखा, शिल्पा, डोरेमोन, सुमित्रा, चलिए सब ए ए ए ए ए, आई थिंक एवरीबॉडी इज ए। चलिए ठीक है, तो एवरीबॉडी नोज दिस, यस ईरान इंस्क्रिप्शन ए। ठीक है, यहां से हमें सती प्रथा के बारे में एविडेंस मिला था, ये दो तीन बार नेट एग्जामिनेशन में रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो यू शुड नो दैट फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे, एंड यहाँ पे ईरान आर्टिकल है जिसमें लिखा जाता है कि जो गोपराज होते हैं, जो भानु गुप्ता के फ्रेंड होते हैं, ही वॉज किल्ड और उनकी वाइफ ने जो सती है वो कमिट किया था। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर्षवर्धन। हुआंग सांग वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन द 17th, इन द 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। हर्षवर्धना वॉज अ डिवाउट शेवाइट एंड एन इनटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन। तो पहला क्वेश्चन है, हुआनसांग चीनी यात्री थे, ये हर्षा के टाइम पे आए थे। दूसरा कि हर्षवर्धन अन्य धर्मों के प्रति काफी कट्टर थे और शेवाइट धर्म को फॉलो करते थे। तो चलिए बताइए वॉट इज करेक्ट, वॉट इज नॉट करेक्ट अबाउट हर्षवर्धना। ओके, सो आदि क्लास ए कह रही है, आदि क्लास सी कह रही है।
ओके चलिए, तो हियर द करेक्ट आंसर इज बोथ, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, बेसिकली आपको हर्षचरिता जो होती, जो बाना भट्ट ने लिखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, अलॉन्ग विथ हुआंग सांग। इन दोनों सोर्सेस से आपको हर्षवर्धना के टाइम के बारे में पता चलता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हर्षवर्धना जो थे वो प्रॉपर शिवाइट थे, ठीक है। अलॉन्ग विथ इट, बाकी रिलीजन के प्रति भी वो काफी ज्यादा टॉलरेंट थे, बहुत ज्यादा कट्टर नहीं थे। लेटर अपनी लाइफ में वो बुद्धिज्म भी अपनाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली आपका ये आंसर गलत हो गया। ही वॉज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ही वॉज नॉट इनटॉलरेंट, ठीक है। हर्षवर्धना शिवाइट थे बट अदर रिलीजन के प्रति भी टॉलरेंट थे, ठीक है। तो द आंसर हियर इज वन ओनली। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन। द पल्लवा किंग हु सक्सीडेड द चालुकिया किंग इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया वर ग्रेट पेट्रंस ऑफ आर्ट, अमंग हुम ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड द टाइटल विचित्र चित, दैट इज क्यूरियस माइंड। सो कौन से ऐसे पल्लवा किंग थे जिनका ये टाइटल था, जिज्ञासु मस्तिष्क जिसको कहा जाता था, विचित्र चित जिसको कहा जाता था, किसने ये टाइटल ली थी? परमेश्वर वर्मा, महेंद्र वर्मा, नंदी वर्मा एंड दंती वर्मा। तो किसने ये टाइटल लिया था? एवरीबडी, आंसर ए है, ही इज नॉट इनटॉलरेंट, ठीक है। आंसर हर्षवर्धना, देखो शिवाइट फॉलोअर थे, पहला पार्ट उसका सही है बट दूसरा पार्ट उसका गलत है, बिकॉज ही वॉज नॉट इनटॉलरेंट। वो बुद्धिज्म भी अपनाते हैं बाद में, बाकी लोगों के प्रति भी वो टॉलरेंट रहते हैं। तो सेकेंड आंसर उसका गलत है, उसका आंसर फर्स्ट है जो सही है, ठीक है। बी 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 बी। चलिए, तो ये तो सबको पता है, करेक्ट आंसर इसका बी है, 100% बी। चलिए, द करेक्ट आंसर इज बी, महेंद्र वर्मन द फर्स्ट, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सबसे पहले आप देखोगे ही वॉज द अर्लियर फॉलोअर ऑफ जेनिज्म, ठीक है। और बहुत सारे इनको टाइटल्स मिलते हैं, ये सारे इनके टाइटल्स की लिस्ट है, प्लीज आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। गुना भरा, सत्यासंधा, चेताकरी, चित्राकरापुली, विचित्र चित एंड मत्ता विलासा, ये सारे इनके टाइटल्स हैं, हमेशा एग्जामिनेशन में सम ऑफ दी टाइटल्स कम, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बादामी वॉज द कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी। बादामी केव पेंटिंग्स वर प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ अजंता पेंटिंग्स। तो इसमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है? दोनों सही है या दोनों गलत है? और हमारा टाइमर फटाफट से, एवरीबॉडी ओके, सो एवरीबॉडी सेइंग सी। तो चलिए, ये आई थिंक ये सबको क्लियर है, दोनों सही है। यस, दोनों सही है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशंस द बैटल फॉट बिटवीन रुद्र रमन एंड दक्षिणापति सत्कर्णी। तो कौन से इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन से हमें इनकी लड़ाई के बारे में पता चलती है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन, कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन या माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। किस इंस्क्रिप्शन में हमको रुद्र दमन एंड दक्षिणापथ सत्कर्णी के लड़ाई के बारे में पता चलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। टेक्निकली इस इंस्क्रिप्शन के बारे में हर साल ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ डेफिनेटली आता है। तो चलिए बताइए फर्स्ट एवरीबडी। ओके, ए ए ए ए ए, चलिए सबका आंसर ए है, ए इज द करेक्ट आंसर, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है दैट रुद्र रमन और दक्षिणापथ ने लड़ाई की थी, एंड हाउ एवर वो उनको मारते नहीं है क्योंकि उनके क्लोज फैमिली रिलेशन रहते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए, लेट्स गो टू द टेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव In which of the following rock-cut caves, 11-headed Bodhisattva image is depicted? ठीक है, तो 11-headed Bodhisattva images हमें किस चट्टान काटकर कौन से rock-cut cave में मिला था? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले?
ऑन गाइस, फटाफट, वी हैव 50 क्वेश्चंस टू गो एंड हमारा टारगेट सिर्फ 1 घंटे का है, क्योंकि ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के पहले. तो बताइए, 11th है बुद्धि बोधि सत्वा इमेज हमें कहाँ पे मिला था? अजंता, एलोरा, कनेरी या कार्ले? वेयर इज इट दिस फाउंड? ओके, सो आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर. ए ए ए ए बी ओके, तो द करेक्ट आंसर इज सी, कन्हेरी केव्स. यस, शे करेक्ट. द करेक्ट आंसर हियर इज सी. ठीक है, प्लीज इसे याद कर लीजिएगा. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, चलो लेट्स गो टू द 11th क्वेश्चन. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहना वॉज पाली. ठीक है, ये इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है. या The official language of Satvahana was written in Brahmi script. उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो लिखा करते थे. द टेक्स्ट कॉल गथा सत्साई इज एट्रीब्यूटेड टू सतवाहना किंग हाला. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एवरीबडी फटाफट, बहुत इजी. सतवाहना पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. इधर सतवाहना लैंग्वेज पे आएगा और यू विल गेट अबाउट सतवाहना कॉइन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है. तो क्या उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पाली थी? क्या वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखते थे? एंड गथा सत्साई इट इज एट्रीब्यूटेड टू सतवाहना किंग हाला. विच ऑफ इट इज करेक्ट एंड विच इज नॉट करेक्ट? फटाफट एवरीबडी, 50 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है. 1 घंटा ही करेंगे हम सिर्फ, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हम अपना एग्जाम के पहले. तो चलिए बताइए एवरीबडी, सतवाना हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, कम ऑन. ओके, सो होल क्लास इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी. ओके ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर राइट. द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स गो टू द 12th क्वेश्चन. हर्षवर्धना साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड बाई विच रूलर. ठीक है, हर्षवर्धन की दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किस शासक ने रोका था? ठीक है, शशंक, पुलकेशिन द सेकेंड, भास्कर वर्मन या साम हरदेव? किसने रोका था हर्षवर्धन साउथवर्ड मार्च? 32nd एवरीबडी, हियर यू गो. ओके, तो चलिए ये आई थिंक मेजोरिटी लोगों को पता है. बी वैष्णवी, बी वरुण, बी चलिए श्वेता, बी नीलिमा, बी ओके. तो चलिए आई थिंक दिस एवरीबडी नोस द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, पुलकेशिन द सेकेंड. चलिए थर्ड, द 13th क्वेश्चन. हु ट्रांसलेटेड रामायण इन टू पर्शियन इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ अकबर. तो अकबर के विश में रामायण को पर्शिया पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? अबुल फजल, अबुल कादिल बदौनी, फैजी या अब्दुल रहीम खाने खाना? तो किसने ट्रांसलेट किया था रामायण को इन पर्शियन? ओके, सो पीपल आर सेइंग बी, दैट इज बदौनी. चलो बाकी डोरेमोन इज सेइंग सी. ओके, सो आई थिंक ये भी बहुत लोगों को पता है. तो मेजोरिटी ये सेइंग बी एंड सी. ओके, तो करेक्ट आंसर हियर इज बी, इट्स बदाउनी. ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था रामायण को. एंड यू शुड नो, ये बहुत बड़े, यू शुड नो कि अकबर, अबुल फजल उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, बट बदाउनी यूज टू ऑलवेज राइट इन सीक्रेसी, हमेशा सीक्रेसी में लिखते थे. एंड मोस्ट ऑफ दी चीजें अकबर की जो टिप्पणी करते हैं, ये अकबर के बारे में बहुत सारी एंटी चीजें लिखते थे. ठीक है, एंड इन्होंने ये ट्रांसलेट किया था रामायण इन टू फ्रॉम पर्शिया. चलिए
क्वेश्चन, सेवन रथ टेम्पल और द सेवन पगोडास ऑफ महाबलीपुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हूम? चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास या सतवाहनास? ठीक है, तो चलो फटाफट, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑलवेज टोल्ड यू पल्लवास पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सब सिंपल सिंपल चीजें बिल्कुल लर्न करके रहें. ओके, तो चलिए, ये तो सबको पता है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी दूसरे तरीके से आ रखा है, तो एवरीबडी नोज द आंसर. यस, द आंसर इज पल्लवास. ठीक है, ये फेमस ही इन चीजों के लिए थे, तो प्लीज इसे हमेशा अच्छे से याद कर लीजिएगा. चलो, नाउ लेट्स गो टू द 15th क्वेश्चन. द बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फाउंड बिटवीन हूम? ठीक है, तालीकोटा का जो युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया? अकबर एंड सुल्तान ऑफ मालवा, अकबर और मालवा सुल्तान. सेकेंड, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम. थर्ड, विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा. डी, शेरशाह एंड हुमायूं. किसके बीच में बैटल ऑफ तालीकोटा था जो लड़ा हुआ था? 30 सेकेंड्स एवरीबडी, फटाफट टाइमर को फॉलो करते हुए. ओके, तो चलिए, ये आई थिंक सबको पता है, सबका आंसर सी ही है इसमें. ओके, परफेक्ट, तो चलिए, दिस एवरीबॉडी इज करेक्ट. द करेक्ट आंसर हियर इज सी, विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा. ठीक है, 1565 में ये बैटल हुई थी. तो चलिए, 16th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, इसमें से कुछ एक है जो करेक्टली मैच नहीं है. सत्य प्रकाश, स्वामी दयानंद, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वाई एम आई एथीस्ट भगवत भगत सिंह, एंड इंडिया डिवाइडेड जवाहरलाल नेहरू. तो कौन सी ऐसी बेसिकली चीज है जो गलत मैच्ड है? हमेशा मैंने आपको बोला है, मॉडर्न इंडिया से न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गए, प्लीज इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इनके सोर्सेज हमेशा याद रखिएगा कौन लिख रहा है, क्योंकि हमेशा इस पे क्वेश्चंस आते हैं. बिकॉज मॉडर्न इंडिया में आज सच कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस यही बनते हैं, बाकी सब थ्योरी पार्ट होता है. तो प्लीज मेक श्योर कि ये वाला आपका क्वेश्चंस, इस सारे क्वेश्चंस आपके सही हो. ओके, तो चलिए, आई थिंक एवरीबडी हैज डन मॉडर्न इंडिया, सारे लोगों का आंसर डी ही है. ओके, गुड गुड. ओके एवरीबडी, फटाफट जो भी देख रहे हो प्लीज राइट द आंसर डी. चलिए, आई थिंक होल क्लास नोज डी. ओके, सो यस, तो चलिए, सबको पता है डी. ये पूरी लिस्ट है, अगर आपको ये लिस्ट देखनी है, सत्य प्रकाश व स्वामी दयानंद, और एक्चुअली इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है. नेशन इन द बिगिनिंग एस एन बैनर्जी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यू नो जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, तो ये हम सभी पता है. चलो, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th. पंचमहल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? तो पंचमहल किस स्ट्रक्चर का पार्ट है? हवा महल, रेड फोर्ट, हुमायूं टूम या फतेहपुर सीकरी फोर्ट? 30 सेकेंड्स टाइमर. चलिए, वेरी इजी. मैंने आपको हमेशा बोला है कि यूजुअली जो स्ट्रक्चर्स है, मान लो अगर आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, हमेशा ये सब याद करके रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चंस इन पे आते हैं. चलिए, तो आई थिंक ये भी सबको पता है, एवरीबडी इज सेइंग डी, दैट इज फतेहपुर सीकरी. ऑलवेज रिमेंबर, फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, जैसे सलीम चिश्ती मॉस्क हो गया, दरगाह हो गया, ऑलवेज रिमेंबर दैट. मार्बल दरगाह था, शाहजहां ने उसको पूरा मार्बल किया था. इन फैक्ट्स को हमेशा याद रखिएगा रिगार्डिंग फतेहपुर सीकरी. ठीक है, तो चलिए, करेक्ट आंसर डी है, ये सबको पता है. गुड, और ये इसकी फोटो है एवरीबडी, यू कैन सी द फोटो. चलिए, नाउ लेट्स गो टू द 18th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? तो लाहौर सेशन कांग्रेस के बारे में कौन सी चीजें सही नहीं है? बॉयकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट,
रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज पास्ट या दिल्ली पैक्ट वॉज एंडोर्स्ड, दैट इज लिखित नेहरू पैक्ट. तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट लाहौर सेशन? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग डी, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए. ए एंड डी पे क्लास डिवाइडेड है. ओके, सो एवरीबॉडी इज सेइंग डी. अच्छा, तो यस द क्लास इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड डी. चलिए, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज दिल्ली पैक्ट वाज एंडोर्स्ड. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, 1929 सेशन में आप देखोगे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन हुआ था, कांग्रेस सेशन को बॉयकॉट करेंगे, ये भी हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट होगी, एंड देसाई लिखित पैक्ट जो था ये नहीं था. ठीक है, तो चलो लेट्स गो टू द 19th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एडुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा? तो ये सारे जो कमीशन है इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट कमीशन है रिलेटेड टू एडुकेशन? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉक कमीशन या ऑल ऑफ द अबव? वेरी इंपॉर्टेंट, एडुकेशन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, या तो ये कमीशन्स के बारे में आएगा या ये कमीशन्स को क्रोनोलॉजिकली सेट करने आएगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया. ठीक है, इन पे हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज. कमीशन आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर्स, कौन सी कमीशन क्या कहती है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, आपको फीचर्स आ जाएगा एंड दे विल टेल यू कि किस कमीशन ने ये बोला था. तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन से हमेशा, और ये क्वेश्चंस इस टाइप के पेपर वन में भी आपके आते हैं, पेपर वन में भी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आता है. तो एजुकेशन टॉपिक करोगे तो पेपर वन का भी फायदा हो जाएगा एंड हिस्ट्री पेपर टू का भी फायदा हो जाएगा. ठीक है, तो चलो ऑल ऑफ द अबव एवरीबॉडी, चलो सबको पता है डी 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 डी. गाइस पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आपकी ऑन द वे है, पाइपलाइन में है, तो जैसे ही वो बन जाएगा सारे पीडीएफ वहां पे चले जाएंगे. मैं आपको लिंक भी दे दूंगी ताकि आप उसको फटाफट ज्वाइन कर लो. अभी वो सब काम चल रहा है सारी चीजों में, तो एज सून एज इट इज डन आपको मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, चलो तो यस दिस इज करेक्ट, इट इज ऑल ऑफ द अबव. तो प्लीज इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. चलिए, तो यू शुड नो इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑल्सो, हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपन, सैडलर कमीशन, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, हार्टॉक कमीशन 1929, लॉर्ड इरविन. ठीक है, सर्जन प्लान 1944, लॉर्ड वेविल. कई बार इनके डेट्स आते हैं या वाइस रॉयज आते हैं और गवर्नर जनरल्स के नाम आते हैं, आपको मिक्स मैच करना होता है, और डेट्स हमेशा याद रखिएगा बहुत बार क्रोनोलॉजी में सेट करने को आता है. 20th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? लाला लाजपत राय, दीवान चमन चमलाल, जोसेफ बैप्टिस्टा या भारतीय मजदूर संघ? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? यस राजेंद्र, डोंट वरी, फटाफट सब मिल जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल. 20th क्वेश्चन एवरीबडी, 50 क्वेश्चंस का टारगेट है हमारा, 1 घंटे का टाइम है, तो चलिए. ये चलो, ये तो सबको पता है, सबको पता है ए ए ए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, होल क्लास नोज इट इज ए. तो चलिए, ए आंसर है, लाला लाजपत राय इज द आंसर, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. अंजलि डेली इस टाइम पे नहीं होता है, डेली हमारे सेशंस होते हैं ट्यूजडेज, थर्सडे एंड सैटरडे को 3 PM. ये संडे को स्पेशल सेशन है, 5:30 एग्जाम के नजदीक आने से हमने रखा है. ठीक है, ऐसे 3 PM हमारा सेशन होता है हर ऑल्टरनेट डेज. ठीक है, चलो नाउ 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, लॉर्ड रिपन, दुरंत कमीशन, लॉर्ड लैंसडाउन, चौरी चौरा, लॉर्ड रीडिंग. तो कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और कौन से वाइस रॉयज हैं? एवरीबडी हमेशा गवर्नर जनरल्स और इवेंट्स, वाइस रॉयज और इवेंट्स हमेशा आते हैं. ठीक है, सो बताइए विच ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड? जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हो कोई बात नहीं, हमारे पास 50 क्वेश्चन है, अभी भी आपके लिए 25 क्वेश्चन ऑन द वे है, तो डोंट वरी एट ऑल. ओके, चलो फटाफट एवरीबडी बताओ विच ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड? इल्बर्ट बिल, डुरंड लाइन, चौरी चौरा, लॉर्ड राइपन, लैंसडाउन या रीडिंग? ए ए ए, चलो मतलब लोगों ने पढ़ लिया है.
यू नो आई हैव नोटिस आपका मॉडर्न इंडिया बहुत स्ट्रांग है. एवरीबडी मॉडर्न के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते. होल क्लास इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन मॉडर्न इंडिया. चलिए तो आइए, तो सबको पता है, प्लीज ये लिस्ट याद रख लीजिएगा, गवर्नर जनरल ने क्या क्या किया है, किस वॉइस रॉय ने क्या क्या किया. ये हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आते हैं फॉर द एग्जामिनेशन. ओके तो चलिए, ये सबको पता है, द करेक्ट आंसर हियर इज ए. और यहाँ पे आपकी लिस्ट है, लॉर्ड रिपन, यू शुड नो दैट इनके टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई थी. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रिपील हुआ था, रेजोल्यूशन 1882 आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेट करने के लिए, हंटर कमीशन की, सिविल सर्विसेज की एज एंट्री बढ़ जाती है, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट शुरू होता है, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन आपको पता चाहिए, इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर. गाइज जस्ट 1 मिनट, आई थिंक देर इज सम टेक्निकल इशू हियर. जस्ट गिव, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. आप 2 सेकेंड बस वेट कर लो, ये एकदम ठीक हो जाएगा. ओके सो वी आर कमिंग बैक. There is some 2 minute का issue. I'm really sorry for the delay, everyone. Guys, there is some server issue. 1 second wait कर लो, एकदम ये 1 मिनट में normalize हो जाएगा. And I think we are back again. तो जो लोग छोड़ के गए हो, please वापस आ जाओ. We are back again. There was some server issue. I think now it's absolutely okay. Okay, so I'm really sorry, everybody. Sorry for the issue. अब ठीक हो चुका है. चलिए, really very very sorry. 1 सेकेंड में ये पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके तो चलो, आई थिंक नाउ वी आर बैक. सॉरी फॉर द डिले. नाउ लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो लॉर्ड लैंसडाउन इनके टाइम पे आप देखोगे ड्यूरंड लाइन. ड्यूरंड लाइन क्या था? इंडो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था, ये डिमार्केट होता है. इंडियन काउंसिल एक्ट आती है. चौरी चौरा इंसिडेंट, ऑल्सो विद्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रीडिंग. तो चलिए, ये ठीक हो गया. अब फटाफट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 22. हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर The All Parties Muslim Conference held at Delhi on 31 December 1928. इनमें से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? अगा खान, एम ए जिन्ना, फजली हुसैन एंड करीम जलाल. तो चलो बताओ फटाफट एवरीबडी. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर. तो जो भी गए हो प्लीज वापस आ जाओ, हम वापस आ चुके हैं. ओके सीमा, अब हम वापस आ गए. अगर आपको नहीं दिख रहा था, आप प्लीज पेज रिफ्रेश कर लो. ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स वेरी वेरी क्लियर. ओके सो द होल क्लास इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी. ओके सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए. ठीक है, सो 21 जनवरी 1929 ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था अंडर अगर खान. चलो 23rd क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सी चीजें करेक्टली मैच्ड हैं? विलियम वेडरबर्न ने लिखा था द ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ठीक है, राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, महात्मा गांधी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये देखो फिर अगेन आपने फिर देखा बुक्स एंड बुक्स के नेम. एवरी टाइम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इंडिया. ठीक है, तो
बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अगर आपको एक दो भी पता है तो आप आराम से इसको टेक्निकली आपको पता चल जाएगा। आई थिंक कुछ कुछ बुक्स इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है जो आप कर सकते हो। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एवरीबडी। विलियम वेडरबर्न, ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, पार्टीशन, महात्मा गांधी, ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलो ये सबको पता है, एवरीबडी सेइंग सी, सो मैक्सिमम एवरीबडी सेइंग सी। ओके तो चलिए आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर हियर सी, और ये करेक्ट लिस्ट है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, ग्रेट डिवाइड इज रिटन बाय एचवी हेडन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था ग्लिम्सिस। ठीक है तो ये सारे, ये जो टेक्निकली राम मनोहर लोहिया वाली किताब थी दिस इज करेक्ट, बाकी सारे गलत ऑप्शंस थे। ठीक है चलो 24th, द आजाद हिंद फौज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। 12th नवंबर 1945, 11th नवंबर 1945, 5th नवंबर 1945 या 10th नवंबर 1945। आजाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन कब मनाया जाता है एवरीबडी? एंड गाइज सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स के प्लीज रिमेंबर द डेट्स। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के डेट्स आपको हमेशा याद रखने, एज आई टोल्ड यू सिंस मॉडर्न इज लॉट ऑफ थ्योरी, बहुत ज्यादा थ्योरी होते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर सम डेट्स। कुछ कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड नेट में सीधा सीधा डेट्स आ जाते हैं। ठीक है ओके सो द होल क्लास इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी, सारे लोग अलग अलग कह रहे हैं। चलो फटाफट ओके सो द करेक्ट आंसर है 12th नवंबर 1945। ठीक है आजाद हिंद फौज डे वॉज हैपेंड ऑन 12th नवंबर 1945। चलिए 25th, Who among the following had presided over the Indian Union Congress held at Nagpur in 1929? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस या यूसुफ मेहरेली, किसने 1929 कांग्रेस सेशन नागपुर में जब हुआ था उसको प्रिसाइड किया था? एग्जाम पोस्टपोन होंगे वरुण, आप क्यों चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो? अच्छा तो है कि आपकी एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, आप लोग आराम से फ्री हो जाओ, आपको कब तक पढ़ना है? ओके कम ऑन गाइस फटाफट 25 क्वेश्चंस वी हैव मोर 25 क्वेश्चंस टू गो इन 1 आवर, टेक्निकली वी हैव 15 मिनट्स। ओके सो फटाफट हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट नागपुर 1929 एवरीबडी, लेट्स गेट बैक टू वर्क, 20 दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए तो फटाफट से चलो शुरू करो। ओके सो द करेक्ट आंसर इज ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ही प्रिसाइडेड ओवर, तो प्लीज कांग्रेस सेशंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि कांग्रेस सेशंस पे मेजोरिटी टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इनको बहुत अच्छे से करके जाओ। कांग्रेस सेशंस और उनके कौन प्रेसिडेंट थे और ऑल्सो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी उस सेशंस में, एवरी टाइम अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस। ठीक है नाउ 26, हु अमंग द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड द पेपर कौमी आवाज। तो कौमी आवाज किसने शुरू किया था ये, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या खली ख्वाजमान, किसने शुरू किया था ये कौमी आवाज? ओके तो एवरीबडी इज डिवाइडेड हियर।
ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज बी, जो किसी ने भी गेस नहीं किया था। द उर्दू पेपर कौमी वॉइस, इट वॉज पब्लिश बाई जवाहरलाल नेहरू एंड रफी अहमद, ठीक है, फ्रॉम लखनऊ। इट द पब्लिकेशन इन्होंने शुरू किया था, एंड फाइनली 1977 में ये जो पब्लिकेशन है ये स्टॉप भी हो जाती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द नाइन जेम्स ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो अकबर के 9 जेम्स पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं एवरीबडी, प्लीज मेक श्योर कि आप इनको करके जाना। राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, तेनाली रामकृष्ण या राजा बीरबल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमंग द नाइन जेम्स। चलिए, तो ये आंसर आई थिंक सबको पता है, तेनाली रामकृष्ण नहीं है ये। यस, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, एंड दिस इज द होल लिस्ट। अबुल फजल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, फकीर अजियाउद्दीन, तानसेन एंड राजा मानसिंह द फर्स्ट। ये सारे इनके नाइन जेम्स थे या नवरत्न थे। इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ 28। कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति वर्क एंड चूज द करेक्टली मैच। रामचरित मानस, तुलसीदास, बिजक कालिदास, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक। तो बताइए कौन सी इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं और कौन कौन सी चीजें करेक्टली मैच्ड हैं। ए ऑल ऑफ द अबव, बी टू एंड थ्री, सी टू ओनली या डी वन ओनली। अगेन भक्ति वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो जो भक्ति सेंस ने कुछ कुछ चीजें अगर लिख रखी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये भक्ति सेंस मोस्टली लोकल लैंग्वेजेस में लिखते थे, ये सबसे बड़ा हिंट है। कभी भी कोई भक्ति बुक्स आती है एंड इट सेज कि कौन लैंग्वेज में लिखा है, अगर आपको ये पता है कि वो भक्ति सेंस कहाँ पे फेमस थे, किस एरिया में थे, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए वहां के एरिया के लोकल लैंग्वेज में ही उन्होंने अपनी चीजें लिखी होंगी। दिस वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट, कि वो लोग लोकल लैंग्वेज में प्रीच करते थे और लोकल लैंग्वेज में ही लिखते थे। ओके, सो द होल क्लास इज डिवाइडेड हियर। बाकी यस, द करेक्ट आंसर इज डी, वन ओनली। ठीक है, एंड इसका राइट आंसर क्या है, बिजक वॉज बेसिकली अ कलेक्शन। ओके, कबीर, इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ दोहास, ठीक है। एंड गुरु ग्रंथ साहिब टेक्निकली गुरु अर्जन देव ने लिखा था गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, ठीक है। एंड रामचरितमानस तुलसीदास आपको पता ही है। चलिए नाउ 29th क्वेश्चन एवरीबडी, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लखनऊ पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। कौन किसके बाद हुआ था, फटाफट से इसके डेट्स बता दीजिए। कोई भी नेशनल इवेंट्स होंगे, जब भी आप नेशनल मूवमेंट्स पढ़ोगे, प्लीज इनके डेट्स आपको हमेशा याद रखने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रोनोलॉजिकली सेट करने को आता है। मान लीजिए कितने भी पैक्स हो गए, कौन सी पैक्ट कब आई है, कौन किसके बाद आया, हमेशा इनके डेट्स आते हैं। तो अगर एक दो के भी डेट पता है तो आप आराम से इनको सेट कर सकते हो। ओके, बी, अच्छा, तो आधे लोग सी कह रहे हैं, आधे लोग बी कह रहे हैं। होल क्लास इज डिवाइडेड सी एंड बी। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए फटाफट डेट्स से ये देख लेते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916, देन जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ठीक है, देन डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक हुई थी 1920 एंड स्वराज पार्टी बनी थी 1923, ठीक है। चलिए 30th, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने रिप्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद या महात्मा गांधी।
यस श्वेता, 1 आवर होने वाला है, 29 क्वेश्चंस ही हुए हैं, तो फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी विल फिनिश 20 क्वेश्चंस इन से 10 मिनट्स। चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं सब लोग, ठीक है? प्लीज जल्दी जल्दी आप आंसर डालो। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? एवरीबडी, चलो डी 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 डी, सबको पता है महात्मा गांधी है, एवरीबडी डी 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 डी, ठीक है चलो, तो एवरीबडी नोज दिस आंसर। यस, द आंसर वॉज महात्मा गांधी, ठीक है। और लंदन पहुंचे थे शिप से, जिसका नाम था एसएस राजपूताना। तो कभी कभी ये भी आ जाता है नेट में, भाई कैसे पहुंचे थे? तो ही वेंट थ्रू अ शिप विच वॉज कॉल्ड आर राजपूताना, सॉरी एस राजपूताना। चलिए 31st, 19th सेंचुरी मेन पारसी सोशलाइट इज, 19वीं सदी में कौन सबसे इंपॉर्टेंट पारसी समाज सुधारक थे? मेन, ठीक है, जमशेद जी, रुस्तम बहरम जी, नवाजी टाटा और बहरम जी एम मालाबरी। तो कौन इंपॉर्टेंट 19वीं सेंचुरी सोशलिस्ट थे? चलिए 31st क्वेश्चन, हमें 20 और क्वेश्चंस करने हैं फटाफट। देखो अब आप पारसी टाइटल्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन पढ़ लो, मेन पारसी सोशलिस्ट ऑफ 19वीं सेंचुरी, क्योंकि ये सारे पारसीज के नाम हैं, तो आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये भी तो थे ये भी तो थे, क्योंकि कई बार नेट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो गुप्ता पीरियड के बारे में आ गया कि किसने बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता हिस्ट्री के बारे में बताया, और सारे ही उसमें हिस्टोरियंस गुप्ता पीरियड के होंगे, बट अकॉर्डिंग टू एनटीए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसमें, ठीक है? तो कई बार ऐसे ट्विस्ट टर्न्स क्वेश्चंस आते हैं जहां पे नाम गुप्ता पीरियड में सबके ही रहेंगे जो हिस्टोरियंस गुप्ता के थे, बट उसमें एक बहुत स्पेशल होगा जिसका कुछ इंपॉर्टेंट जिसने अपने वो दे रखे होंगे, जैसे स्पेशल चीजें जो बाकियों की बुक में नहीं होंगे, तो एनटीए के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से कौन है? डोंट गेट कंफ्यूज हियर, ओके? तो चलो आई थिंक एवरीबडी हैज रिटन द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज डी, बहरम जी एम मालबरी। एंड 1851 में आपको पता है ही वॉज द ग्रेट पारसी रिफॉर्मर, 1851 में नारोजी, दादा भाई नारोजी, एस एस बंगाली, इन्होंने पारसी इंस्टीट्यूशन बनाई थी, क्यों? ताकि जो पारसीज के जो ओल्डर इंस्टीट्यूशन, जो ओल्डर ऑर्डर था, उसमें वापस से प्योरिटी लाके वुमेन की स्टेटस जो है वो इम्प्रूव कर सके। 32, 1924 कांग्रेस अधिवेशन वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी एट गया, अमृतसर, बेलगांव या कानपुर? ए, चलिए फिरोज ए। बाकी फटाफट गाइस, वी हैव 20 मोर क्वेश्चंस टू गो, फटाफट 10-15 मिनट्स में विल जस्ट वाइंड अप एवरीथिंग सो दैट ज्यादा हमारा टाइम ना लगे। सी सी सी, चलो ठीक है, सी 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 एन ए, सी एन ए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बेलगाम, वेरी वेरी गुड एवरीबडी, सी करेक्ट आंसर है। चलिए 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 केम इनटू फोर्स इन 1921, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेग वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड क्लेम्सफोर्ड वॉज द वॉइसरॉय, दिस एक्ट सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो कौन सी ऐसी लाइन है जो इनकरेक्ट है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? लागू हुई थी 1921 में, या इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता था, या इस एक्ट में सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट सेपरेट हो गए थे? तो एक लाइन है, अगर आपको ये एक्चुअली ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ नहीं भी आता होगा तो भी आप एक लाइन को यहाँ पे खोज लोगे। यस, तो चलिए, यस द करेक्ट आंसर, एक्चुअली ये बी स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट गलत में, क्योंकि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट नहीं कहा जाता था, ठीक है? तो यू शुड नो द नेम ऑफ द एक्ट, एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता था, ये 1919 की एक्ट को
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नहीं कहा जाता था, ठीक है, इट वॉज मॉन्सी क्लेंस फ्रॉम रिफॉर्म्स एक्ट. तो चलिए ये आंसर सही है. 34 क्वेश्चन. आफ्टर द लखनऊ सेशन, सॉरी आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. In 1948, Congress rejected the demand of formation of provinces on linguistic basis. इनमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा. After the Nagpur section, the Provincial Congress Committee was constituted on linguistic basis. In 1948, Congress rejected the demand for formation of provinces on linguistic basis. तो दोनों में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है. चलिए डी डी डी, everybody is saying डी डी, both one and two. फटाफट गाइज, हमारे पास और 10-15 questions और बचते हैं. Let us just complete this session. डी डी डी, चलिए डीसी डीसी. ओके, तो सबको मोस्टली ये आंसर पता है, द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू 35 क्वेश्चन. द रेवोल्यूशनरी हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बॉम्ब कांड में शामिल नहीं थे, मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बालमुकुंद या अवध बिहारी. तो ये जो बॉम्ब केस हुआ था, इसमें कौन से ऐसे हैं हु वाज नॉट इन्वॉल्व, जो शामिल नहीं थे. देखो इनके नाम याद करना बहुत जरूरी है, हमें दो लोगों के ही नाम याद है जिन्होंने बॉम्ब फेंका था, बट और भी लोग थे जो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी. सो विच ऑफ देम इज नॉट इन्वॉल्व. अवध बिहारी, एवरीबडी इज सेइंग डी 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 डी. चलिए होल क्लास इज डिवाइडेड. अच्छा, इसमें सब लोग सेम ही आंसर दे रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर. अब देखो कौन कौन इसमें थे, मास्टर अमीर चंद, बसंत कुमार, मास्टर अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद, ये सारे थे जो कि इन्वॉल्व थे इसमें. बॉम्ब फेंका था सचिन सन्याल एंड रश बिहारी बोस ने, हाउएवर ये सारे लोग भी इस पूरे कांड में इन्वॉल्व थे. ठीक है, आगे वो दोनों बढ़े थे. तो यू शुड नो दैट मास्टर अमीर चंद, बसंत कुमार, मास्टर अवध बिहारी एंड भाई माल मुकुंद, दे वर ऑल इन्वॉल्व. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36. The whole dispute between Subhash Chandra Bose and right wing after the Tripura session of Congress centers around which question? Formation of Congress Working Committee, policy towards princely states, attitude towards central government, या double membership of Socialist Party workers? अगर आपको जरा सा भी हिंट है तो आप इसका आंसर क्लियरली दे सकते हो. The whole dispute between Subhash Chandra Bose and right wing after the Tripura session was what? किस बारे में झगड़ा हुआ था, किस बारे में dispute हो रहा था? Okay, so A A A. ओके, तो चलिए आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी. तो चलिए ये आंसर करेक्ट है आप लोगों का. नाउ लेट अस गो टू द 37th क्वेश्चन. हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट? तो गांधी इरविन पैक्ट में मीडिएटर का रोल किसने प्ले किया था, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर, एनी बेसेंट या चिंतामणि? किसने मीडिएटर का काम प्ले किया था इन गांधी इरविन पैक्ट? अगर आपको थोड़ा भी बैकग्राउंड पता है गांधी इरविन पैक्ट के, पहले इन लोग
इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, दे वेंट टू जेल, पूरा केओस मचा रहता है। बीच में एक आदमी रहते हैं जो आते हैं और थोड़ा मीडिएटर का काम करते हैं कि थोड़ी सेटलमेंट हो जाए। तो किस बारे में हम बात कर रहे हैं एवरीबडी? बी 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 सी सी सी। यस, तो चलिए आई थिंक दिस एवरीबडी नोज। तेज बहादुर लिख रहे हैं आधे लोग। यस, तेज बहादुर, तेज बहादुर, तेज बहादुर, करेक्ट। यस, सो द करेक्ट आंसर इज तेज बहादुर। ठीक है, तो यू शुड नो सिविल डिसोबीडियंस के बाद ये होता है 1933 में गांधी जी इम्प्रिजन हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इनको भी जेल ले जाया जाता है। फाइनली इनको रिलीज कर दिया जाता है। तेज बहादुर मीडिएटर का काम करते हैं गांधी इरविन पैक्ट में। एंड फाइनली डिस्कशन होकर गांधी इरविन पैक्ट निकलती है। चलो 38 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंस्टीट्यूशन और उसके फाउंडर कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी, सेवा समिति एच एन कुंजरू एंड सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। श्री राम वाजपेयी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, एच एन कुंजरू, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग, एन एम जोशी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। विच इज नॉट करेक्टली मैच? एक इसमें गलत है। कौन सा ऐसा है जो गलत है एवरीबडी? चलो ये सबको पता है आंसर। डी डी डी। ओके, डी 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 डी। ओके एवरीबडी, चलो तो दिस होल एवरीबडी नोज, होल क्लास नोज, द करेक्ट आंसर हियर इज डी डी डी। चलो ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। चलो तो ये सबको पता है, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब? तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनमें से किन इंपॉर्टेंट लोगों के राइटिंग्स थे? शेख फरीद, भगत नामदेव, संत कबीर, गुरु तेज बहादुर एंड बाबा गुरु नानक, इनमें से किसके इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं इन गुरु ग्रंथ साहिब? शेख फरीद, भगत नामदेव, संत कबीर, गुरु तेज बहादुर या बाबा गुरु नानक? यस गाइज, आई थिंक देर इज सम सर्वर इशू अगेन। आप प्लीज एक सेकेंड बस वेट कर लो, आई एम गोइंग टू कम बैक। ओके, सो राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब? शेख फरीद, भगत नामदेव, संत कबीर, गुरु तेज बहादुर एंड बाबा गुरु नानक? फटाफट से बता दो एवरीबडी, वी हैव जस्ट 10 मोर क्वेश्चंस टू गो। ओके, तो आई थिंक देयर वाज सम सर्वर इशू, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं। एंड ओके, तो एवरीबडी इज सेइंग डी, मतलब ऑल। यस, सो यू शुड नो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। टेक्निकली सारे लोग ही थे जिनके बारे, जिनकी आप देखोगे इंपॉर्टेंट, इनकी जो भी राइटिंग्स थे ये सब गुरु ग्रंथ साहिब में थे। ओके, दैट इज शेख फरीद, भगत नामदेव, संत कबीर, तेज बहादुर, बाबा गुरु नानक, सारे लोगों के राइटिंग्स गुरु ग्रंथ साहिब में थे। ठीक है, 40th क्वेश्चन। हु रोट द भजन वैष्णव जन तो? ये किसने लिखा था जो कि गांधी जी ऑफनली रिसाइट करते थे, अक्सर सुनाया करते थे? तुकाराम, सूरदास, नरसिंह मेहता एंड प्रजापति मिश्रा।
सूरदास, तुकाराम, नरसी मेहता और प्रजापति मिश्रा। वैष्णव जन तो भजन जो महात्मा गांधी जी अक्सर गाया करते हैं, जो हम भी गाते हैं, ये किसने लिखा है? ओके फटाफट गाइस, वी हैव 10 मोर क्वेश्चंस टू गो। चलिए, आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर, दैट्स क्वाइट कूल। सो एवरीबडी नोज द आंसर। ओके सो वी नो द करेक्ट आंसर इज सी, नरसिंह मेहता। ओके चलो, ये सबको पता है, गुड। नाउ लेट्स गो टू द 41st क्वेश्चन। दादू मियां बिकेम अ प्रोमिनेंट इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है, वहाबी मूवमेंट, फराजी मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट या अलीगढ़ मूवमेंट। इनका नाम हमेशा याद रखना, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पे क्वेश्चन आता है, या इनके मूवमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आते हैं। सो हु आर वी रेफरिंग टू? बी 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 बी, फटाफट गाइस, वी हैव जस्ट 6 9 मोर क्वेश्चंस टू गो। बी 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 बी, ओके। तो चलिए, ये एवरीबडी नोज द करेक्ट आंसर हियर इज बी। एंड प्लीज, फरेजी मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में हमेशा इससे क्वेश्चंस आते हैं, समहाउ एनटीए को इससे बहुत प्यार है। ओके सो इट वाज फाउंडेड बाय हजी शरियत अल्लाह, ठीक है? एंड यू नो दादू मियां उनके बेटे थे, मूवमेंट को फॉरवर्ड बढ़ाते हैं। ऑल्सो दो तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट दैट इज शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेली, अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद एंड अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद खान। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स का नाम याद रखिएगा, मोस्टली इससे क्वेश्चन एक ना एक इस सेक्शन से डेफिनेटली आते हैं। Now let's go to the 42nd question. Who founded the Indian Social Conference in the 19th century for social religious reforms in Indian society? M.G. Ranade, Annie Besant, Jyotiba Phule ya Ishwar Chandra Vidyasagar? 19वीं शताब्दी में राष्ट्र सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? रानडे, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? शेक नाउ देर इज नो नेटवर्क इशू, आप प्लीज अपना पेज रिफ्रेश कर लीजिए हमारे साइड से। अब ठीक है, आज एक बार एरर हो गया, इसमें तो ये नहीं कि बार बार हो, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट नाउ, ठीक है? तो 42nd क्वेश्चन एवरीबडी। चलिए, सो एवरीबडी नोज द आंसर, द करेक्ट आंसर इज एमजी रानडे। तो यू शुड नो दिस, एम जी रानडे, रघुनाथ राव ये स्टैब्लिश करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, प्लेज मूवमेंट शुरू करते हैं। प्लेज मूवमेंट क्या होता है? जहां पे लोग प्लेज लेते हैं, ओथ लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट करेंगे, ठीक है? एंड पूना सार्वजनिक सभा भी इन्होंने शुरू किया था 1870 में। 43rd क्वेश्चन, इन 1719 द सैयद ब्रदर्स किल्ड एंड ओवर थ्रू फरूक सियार एंड प्लेस्ड विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली? तो 1719 में सैयद ब्रदर्स ने फरूख सियार को हटा के किसको प्लेस किया था एज द रूलर ऑफ दिल्ली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाता था, अक्सर लोगों को हेल्प करते थे राजा बनने में, आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के सक्सेसर, सबको राजा बनना था, सबको हेल्प करते थे, एंड में ये मारे भी गए यही सारे काम के चक्कर में। तो किसको हेल्प करते हैं, कौन बनता है? चलिए, ये भी सबको पता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। ए ए ए, ओके सो एवरीबडी इज सेइंग ए। ओवरथ्रू फरूख सियार एंड प्लेस्ड विच वन? बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे फरूख सियार के बाद किसको लेके जाते हैं थ्रोन पे? यहाँ पे जस्ट रिमेम्बर द क्रोनोलॉजी। यस, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ए, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता था उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से। और सैयद ब्रदर्स की कभी कभी नाम भी आते हैं, तो यू शुड नो सैयद अब्दुल्ला खान एंड सैयद हुसैन अली, ठीक है? फरूख सियार को इन्होंने किल कर दिया था एंड मोहम्मद शाह को थ्रोन पे बिठाया था। 44, द फेमस मैकॉले मिनट आर एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन विच सेक्टर, ठीक है?
मैकॉले का मिनट किस क्षेत्र में सुधारों से जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर, इंडियन सिविल सर्विसेज, एजुकेशन या टेक्सटाइल? वेरी इजी, अगेन आई हैव टोल्ड यू, इस सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप देखना डेफिनेटली एक नए क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा। चलो तो ये तो सबको आता है आई थिंक। ओके यस, एजुकेशन गाइस, एजुकेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, प्लीज इसको ठीक से करिएगा, आपको हर साल यहाँ से एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, एंड ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आएगा नहीं, तो मेक श्योर कि आप इसको प्लीज पढ़ के अच्छे से मास्टर कर लो। चलिए गुड, नाउ लेट्स गो टू 45th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? दीवाने अर्स, दैट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट, सेना का विभाग। दीवाने इंशा, पत्रचार, दैट इज कोरेस्पोंडेंस। दीवाने खैरियत मतलब चैरिटी, या दीवाने रिसालत मतलब पेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड? ओके डी डी डी, चलिए डी 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 सी सी डी। अच्छा तो द क्लास इज डिवाइडेड बिटवीन डी एंड सी। प्लीज रीड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं, जस्ट टर्म्स एंड उनके क्या काम थे, ठीक है? ओके, तो आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर हियर, द आंसर चलिए डी, दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड, ये पूरा टेबल है। ओके सो दीवाने रिसालत वॉज बेसिकली योर डिपार्टमेंट ऑफ अपील, पेंशन डिपार्टमेंट नहीं था, पेंशन ऑफ डिपार्टमेंट दीवाने इश्तियाक को कहा जाता था, ठीक है? सो डी इज द रॉन्ग आंसर। नाउ 46, चार क्वेश्चन और हैं। हु एस्टैब्लिश्ड द शारदा सदन, अ स्कूल फॉर इंडिया विडोज इन द कलोनियल इंडिया इन द 19th सेंचुरी? तो शारदा सदन किसने इस्टैब्लिश किया था, किसने स्थापित किया था? पंडिता रामाबाई, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या सावित्री भाई फूले? सोशल रिफॉर्म्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चंस आता है, एंड स्पेशली वुमेन को लेके अगर कोई रिफॉर्म मूवमेंट्स है, वुमेन को लेके कोई एसोसिएशन जो स्पेशली बनाए गए हैं, उन पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप ये एसोसिएशन को ठीक से करें, ऑल्सो मेक श्योर कि आप इनका टाइम नोट कर लें, कई बार इसको भी क्रोनोलॉजिकली सेट करने आता है कौन एसोसिएशन कब आया था, ठीक है? सो मेक श्योर यू डू दैट ऑल्सो। तो चलिए फटाफट चार पांच क्वेश्चन, हमारे चार क्वेश्चन बचे हैं। ए ए ए, ओके सो एवरीबडी नोज द आंसर ए। ओके सो दिस इज करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ए, पंडिता रामाबाई। तो यू शुड नो पंडिता रामाबाई स्टार्टेड द शारदा सदन बॉम्बे में 1889। मुक्ति मिशन भी शुरू किया था इन्होंने, ताकि जो भी चाइल्ड विडोज हैं उनके एडुकेशन के लिए। समाज भी शुरू किया था उन्होंने, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको केसर हिंद का मेडल देती है 1919 में, ठीक है? तो चलिए नाउ 47th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका द धम्मा पॉलिसी इज मेंशन? पिलर एडिक्ट 2, पिलर एडिक्ट 4, पिलर एडिक्ट 6 एंड पिलर एडिक्ट 7। तो धम्मा पॉलिसी अशोका की किस पिलर एडिक्ट में मेंशन है? किस स्तंभ अभिलेख में राज्य की धम्मा नीति का उल्लेख किया गया है? ओ गॉड, हियर वी गो। ओके गाइज, सो आई एम रियली सॉरी, ओके देर इज सम सिवियर आई थिंक लिटिल बिट ऑफ सम एरर जो आज हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम एंड फॉर दिस अनॉयंस, आई नो थोड़ा इरिटेटिंग ये लगता है,
तो रियली सॉरी फॉर दिस एंड आई थिंक वी आर बैक नाउ. ओके सो वी हैव जस्ट थ्री मोर क्वेश्चंस टू गो एंड सो आई थिंक नाउ वी आर बैक. एवरीबडी कैन सी मी. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट ऑफ सर्वर इशू. ओके एंड रियली अपोलोजाइजिंग फॉर इट. तो चलिए तीन क्वेश्चन बचे हैं, इसको आज फटाफट खत्म कर लिया जाए. ओके सो विच पिलर एडिक्ट धम्मा पॉलिसी किस इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट में मेंशन्ड है. पिलर एडिक्ट 2, 4, 6 एंड 7. ओके सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पिलर एडिक्ट 6. ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए. धम्मा एडिक्ट पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. पिलर एडिक्ट 1 में उन्होंने प्रोटेक्शन बताया था, चीजों की प्रोटेक्शन करने के लिए. ओके पिलर 2 धम्मा, धम्मा मतलब आपका धर्म क्या है, नॉट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट. लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. पिलर 3 में बेसिकली एंगर सिन क्रुएल्टी इन चीज की अबॉलिशन करिए. फोर्थ में राजुका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके बारे में बात थी. फिफ्थ में एनिमल्स को मारा नहीं जाता. एंड फाइनली सिक्स में धम्मा पॉलिसी जो इनकी स्टेट की थी उसके बारे में बात होती है. तो सिक्स एडिक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. धम्मा पॉलिसी किस में थी हमेशा इस पे आता है. लोग 2 और 6 में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. द करेक्ट आंसर इज 6. चलिए 48. हु इज द ऑथर ऑफ न्याय दर्शन. न्याय दर्शन किसने लिखा था, गौतम, कन्नड, कपिल एंड बद्रयान. चलिए थ्री मोर क्वेश्चन वी हैव. हु इज द ऑथर ऑफ न्याय दर्शन, गौतम, कन्नड, कपिल एंड बद्रयान. ओके तो चलिए आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर एंड एवरीबडी इज राइटिंग ए ए ए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज गौतम. परफेक्ट. 49 क्वेश्चन. हु इज द राइटर ऑफ द बुक किताब उल हिंद. तो किताब उल हिंद के राइटर कौन थे, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी या श्याम सिराफ असीफ. कौन थे किताब उल हिंद के इंपॉर्टेंट लेखक, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी या शम्स इस सिराज अफीफ. ओके सो आई थिंक चलिए क्विकली लेट्स सी द आंसर. सी 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 सब लोग अलबरूनी कह रहे हैं. सी 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 यस द करेक्ट आंसर इज सी, अलबरूनी इज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद. ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी पे हमेशा क्वेश्चन आता है किसी ना किसी फॉर्म में. ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑन लॉर्ड डलहौजी, समहाउ बहुत ही फेवरेट है ये. सो ए सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, बी सेटिंग अप ऑफ टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा, सी रेलवे ओपन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, डी फोर्थ मैसूर वॉर. तो कौन सी एक इंपॉर्टेंट इवेंट थी जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे नहीं हुई थी. ठीक है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन एवरीबडी. सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन वी आर डन विद द सेशन. चलिए तो आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर हियर. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फोर्थ मैसूर वॉर. तो अगेन ये इनके टाइम पे नहीं हुआ था. प्लीज रिमेम्बर द लिस्ट, जितने भी गवर्नर जनरल है उन्होंने क्या किया, जितने भी वॉइस रॉयज है उन्होंने क्या किया. ऑलवेज अ क्वेश्चन कम्स ऑन दीज. ओके गाइज सो दिस वॉज आर वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन एंड दीज आर योर मॉक टेस्ट. अगर आपको ये देने हैं पेपर 1 के ये मॉक्स हैं. ठीक है तो प्लीज अगर आपको एनरोल होना है तो डू सब्सक्राइब टू दीज मॉक्स, डू गिव इट, ट्राई टू नो योर रैंक. एंड सो दिस वॉज आर सेशन ऑफ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नाउ फाइनली हमारा क्वेश्चन हो चुका है. वैसे तो हमने 1 घंटा का टारगेट बनाया था. सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर द लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल इशूज वी हैड. ठीक है और मैं मिलती हूँ आपसे ऑन ट्यूजडे. हमारा जो नॉर्मल का टाइम टेबल है ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे 3 PM. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द क्लास. हैव एन अमेजिंग संडे और प्लीज अच्छे से पढ़िएगा. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरी वन फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है एग्जामिनेशन आने वाले हैं, कोविड भी बढ़ रहा है तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज प्रिपेयर. एंड जो अभी तक नहीं शुरू किए अभी भी शुरू कर लो, अभी भी बहुत टाइम है. ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर द सेशन एंड रियली सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यूज वी हैड. एंड मैं मिलती हूँ आपसे ट्यूजडे को 3 PM बैक अगेन विद अगेन इंपॉर्टेंट सेशन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच एवरी वन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. गुड नाइट एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्व.
यस, पीडीएफ भी मिलेगा गाइस, डोंट वरी. वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट टेलीग्राम ग्रुप बन जाए. तो इट्स एवरीथिंग इज इन द पाइपलाइन, सो थिंग्स विल हैपन वेरी वेरी सून. एज सून एज ये होता है, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू ऑल नो कि कैसे कैसे होगा, तो हम लोग आपको फटाफट इन्फॉर्म कर देंगे. तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, एवरीथिंग इज ऑन द पाइपलाइन, फटाफट हो जाता है. वी गाइज वी विल लेट यू नो. ओके, एंड प्लीज प्लीज ज्वाइन द सेशन राइट ऑन टाइम एवरीबडी, एंड फटाफट से 3 PM, डू नॉट मिस इट.